बड़ी खबर आ रही है जहां पैक्स चुनाव के दौरान गोली चलने का मामला सामने आ रहा है। बताया जा रहा है कि एसडीओ और डीएसपी की मौजूदगी में गोलियां चलाई गई। सूत्रों के अनुसार एक प्रत्याशी के समर्थकों ने रविवार की रात रुक रुक कर दर्जनों राउंड फायरिंग की। बावजूद भारी संख्या में मतदाता सुबह 7 बजे से बूथ पर उतरे और कतारबद्ध होकर मताधिकार का प्रयोग किया। 12 पैक्स में 60 जबकि चरमा पैक्स चुनाव में 70% मतदान हुआ। सुरक्षा की चाक चौबंद पुलिस बंदोबस्ती के बावजूद 12 गांव के कुछ असामाजिक तत्वों ने बूथ से दूर सोमवार को मतदान अवधि में पुनः गोलियां चलाई। मौजूद पुलिस की टीम ने उपद्रवियों को खदेड़ा तो हथियार बंद अपराधी भाग खड़े हुए। गोलीबारी में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। बता दें कि 12 पैक्स में अध्यक्ष पद के 3 प्रत्याशी दंगल में उतरे हैं, जहां 9 बूथों पर 3,799 वोटर थे। वहीं चरमा पैक्स अध्यक्ष के लिए 2 प्रत्याशी हैं, जहां 4 बूथों पर 1,354 वोटर थे। प्रखंड कार्यालय में मतगणना होगी। जी, हमारे साथ राजा जुड़ चुके हैं। राजा, यहाँ जो गोलीबारी हुई है, इस पर क्या कुछ अपडेट है, क्या खबर है, क्या मामला है ये पूरा? जी, मामला ये है कि जब पोलिंग बूथ पर जब वोटिंग समाप्त होने पर थी, उसके बाद कुछ प्रत्याशियों ने तवातोड़ गोली चलाना स्टार्ट कर दिया। वहाँ पे मौजूद है डीएसपी डीओ साहब, वहाँ पर थे। उन लोगों ने जब पुलिस फोर्स जो पकड़ने के लिए दौड़े, तो वहाँ से जितना भी गोलीबारी करने वाले प्रत्याशी थे वहाँ से भाग निकले। जी राजा, मैं ये जानना चाहूंगी कि आखिर ये गोलीबारी जो हुई है रात में, ये आखिर क्यों हुई है, क्या वजह है इन सब चीज की? जी, बीती रात में भी गोलीबारी हुई थी और दोनों प्रत्याशियों के बीच में हुई थी। जी, तमाम जानकारियों के लिए शुक्रिया राजा। तो मसौढ़ी में मतगणना से एक दिन पहले, माफ करिएगा, चुनाव से एक दिन पहले वहां पर गोलीबारी हुई, लेकिन फिर भी चुनाव शांतिपूर्वक से निपटा दिया गया। पूर्वी चंपारण के प्रखंड क्षेत्र के कदमवा पैक्स चुनाव शांतिपूर्ण संपन्न हो गया। मतदान बूथ पर तैनात दंडाधिकारी अपर एसडीएम सिकरहना संजय कुमार ने बताया कि मतदान शांतिपूर्वक चला है। जी, हमारे साथ हमारे संवाददाता धनंजय जुड़ चुके हैं। धनंजय, जो आज पैक्स चुनाव हुए हैं, उसमें क्या कुछ अपडेट है और कितनी प्रतिशत वोटिंग हुई है आज वहां? जी हां, यहां पूर्वी चंपारण में जो पैक्स का जो चुनाव हुआ है, शांतिपूर्ण ढंग से हुआ है और संजय कुमार जो अधिकारी हैं उनके देखरेख में हुआ है अभी। जी धनंजय, कोरोना को लेकर वहाँ पे गाइडलाइंस फॉलो किए गए? जी हाँ, ये कोरोना महामारी को लेकर वहाँ पे गाइडलाइंस फॉलो किए गए हैं और मतदाताओं के बीच में इसको लेकर काफी उत्साह भी देखा गया है सभी मतदाताओं के द्वारा, और जो भी वहाँ पे कर्मचारी जो भी पुलिसकर्मी वगैरह जो तैनात थे उनके द्वारा मास्क और सैनिटाइजर वगैरह का भी भरपूर व्यवस्था किया गया था और शांतिपूर्ण चुनाव हुआ है। जी, तमाम जानकारियों के लिए शुक्रिया धनंजय। अब तक के बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। बने रहें हमारे साथ। नमस्कार।